का पेस्ट बनाया था ना, हमने 2 चम्मच इसमें ऐड किया है, सिर्फ 2 चम्मच में ही अच्छे से थिक हो गई है। और हमें ऐसे ही इसकी ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पास्ता उबाला था ना, अब हम वो पास्ता डाल देंगे। इस ग्रेवी को भी पकते पकते 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे ये, और अब हम इसे भी मिक्स करेंगे, चलाएंगे, क्योंकि पास्ता में थोड़ा सा पानी था तो क्योंकि हमने 80% पकाया था तो इस जो पास्ता का पानी था वो साथ में डाल दिया इसके अंदर, ताकि अब इसके अंदर पूरा पक जाए अच्छी तरीके से और ये पास्ता गल जाए। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे आराम आराम से चलाएंगे, मीडियम और हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको, और इसे बस इस तरीके से चलाना है ताकि ये टूटे नहीं। और अभी थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे ऊपर, इसे भी मिक्स कर लेंगे और बस गैस की फ्लेम मीडियम रख लेंगे अब इस टाइम पर। अभी पूरा बनने के लिए तैयार। और ये हमारे पास एक चीज़ स्लाइस है, आप 1, 2, 3 कितनी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्लाइस था तो मैंने एक चीज़ स्लाइस यूज़ किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे चीज़ और इसे भी इसमें पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसकी ग्रेवी और थिक हो जाएगी और क्रीमी हो जाएगी। और थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स। और अब ये पूरी अच्छी तरीके से बन चुका है, पूरा क्रीमी हो चुका है। बस इसे थोड़ी देर और इसी तरह से पकाएंगे मीडियम आंच पे, ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो पतला पतला सी ग्रेवी नज़र आ रही है थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। और इस स्टेज पे इसे पकाते पकाते हमें हो चुके हैं 2 मिनट और ये अच्छे तरीके से ग्रेवी थिक हो चुकी है, बन चुकी है। और बस हम इसी स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। और हमारी ये चीज़ी पास्ता तैयार हो चुका है बनकर। और इसे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा थिक करेंगे ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जम जाएगा, तो फिर हमें इतना ज़्यादा भी थिक नहीं करना है। इसी तरीके से इसको रखना है, इसकी ग्रेवी को। और ये बनकर तैयार हो चुका है हमारा चीज़ी मसाला पास्ता, और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। और हम इसमें ऊपर से डाल देंगे धनिया थोड़े से, और हम केचप भी डाल सकते हैं ऊपर से, और थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं ऊपर से, और ये बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।